माय चैनल और आज हम बनाने जा रहे हैं गोली इडली। ये एक इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है और ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट है। इसके लिए आपको कोई बैटर को फर्मेंट करने की जरूरत नहीं है, ये इंस्टेंट इडली बनके तैयार होती है और इसको आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए बेसिकली हमने चावल के आटे का डो बनाया है और फिर उसको स्टीम करके इसकी इडली बनाई है, देन उसमें तड़का लगाया है। चलिए देखते हैं कि कैसे इसको बनाना है। सबसे पहले मैंने एक पैन को गर्म होने रख दिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप पानी, 1/4 टेबलस्पून नमक, 1/4 टेबलस्पून घी। अब हम इसमें बॉईल लेकर आएंगे। ये देखिए इसमें बॉईल आ गया है, एक बार मैं इसको इस तरह से स्टिर कर ले रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप चावल का आटा और आपको इसको इसी में पकाना है। फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और आपको इसे पकाना है, जितने लम्स हैं उसको ब्रेक करने हैं इस तरह। गैस की फ्लेम को एकदम स्लो कर देंगे और इसको हम ढककर पकने देंगे 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स हो गए हैं, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है, अब हमें इसे नीड करना है, बट ये बहुत गर्म है तो उसके लिए एक ट्रिक है। आप इस तरह की कोई भी स्टील की कटोरी ले सकते हैं एंड देन उसको आपको इस उल्टी तरफ से इस तरह प्रेस करना है थोड़ी देर तक, जब तक ये जो डो है ये थोड़ा सा ठंडा नहीं हो जाता है। हम इसको कटोरी से नीड करेंगे एंड देन इसके बाद फिर हम अपने हाथों से नीड करेंगे। आप देख सकते हो जितना आप इसको नीड करोगे उतना ज्यादा वो सॉफ्ट डो बनके तैयार हो जाएगा। डो बन के रेडी हो गया है, अब मुझे इसके छोटे छोटे से ऐसे बॉल्स लेने हैं और इसको अच्छे से रोल करना है। ये देखिए इस तरह से आपको बॉल बना के तैयार कर लेना है। तो हम सारे ही ऐसे गोली इडली बना के तैयार करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके हाथ पे चिपक रही है तो आप हल्का सा अपने हाथ को गीला कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं, इससे ये चिपकेगा नहीं आपके हाथों में। ये देखिए सारे ही बॉल्स मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। चलिए अब इनको स्टीम करते हैं। मैंने यहाँ पर स्टीमर तैयार कर लिया है और इसमें मैं ये प्लेट लगा रही हूँ। ये जो प्लेट है इसको मैंने ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है। अब जो हमने बॉल्स बनाए थे वो हम इस पे रख देंगे एक एक करके। इसको हमें हाई फ्लेम पे 10 मिनट्स के लिए स्टीम करना है। 10 मिनट्स हो गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे जो बॉल्स हैं इडली के वो थोड़े से फूल गए हैं और ये अच्छे से बन गए हैं, पक गए हैं। तो चलिए अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और इनको हम बाहर निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच तेल। तेल अच्छे से गर्म होगा उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच राई और इसको हम क्रैकल होने देंगे। इसके साथ मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच उड़द की दाल, 2 चम्मच व्हाइट तिल और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अराउंड 30 सेकेंड्स के लिए इसको भून लेंगे। ऐड कर रही हूँ 6 से 7 कड़ी पत्ते, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच किसा हुआ अदरक, 1 खड़ी लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ हींग। सभी को हमें अच्छे से पका लेना है अराउंड 30 से 40 सेकेंड्स तक। इसमें
डालूंगी हमारे जो बॉल्स हमने बनाए थे और आपको इन्हें अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे ही बॉल्स जो हैं वो कोट हो जाएं। कर रही हूँ थोड़ा सा नमक, बट आपको ध्यान रखना है कि आपने जब चावल का आटा बॉईल किया था तब भी नमक ऐड किया था, तो थोड़ा सा कम नमक डालें। आप देख सकते हो कि हमारे जो गोली इडली है वो रेडी हो गए हैं। फाइनली मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गोली इडली रेडी है, चलिए आइए इसको सर्व कर लेते हैं।